जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपाय बताने से पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। जो निवेदन हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आप लोगों से किया है, कोरोना वायरस नाम की महामारी जो हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जिसने हाहाकार मचा रखा है, उस महामारी से बचने के लिए आप सभी लोग कृपया करके अपने घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बार बार अपने हाथों को स्वच्छ रखिए, क्योंकि जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो यह राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया करके लॉकडाउन का पालन करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करिए, घर में रहिए। चलिए आज का मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। आज का उपाय है धन प्राप्ति से संबंधित। हमारे तंत्र शास्त्रों में कुछ ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिन मंत्रों को करने से अकस्मात ही धन की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे मंत्र हैं हमारे तंत्र शास्त्र में, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर विधि है, बहुत ही छोटी विधि है, बड़े ही प्रेम से सुनिए। आपको करना क्या है, या तो अमावस्या का दिन हो बहुत ही शुभ रहेगा, अगर अमावस्या के दिन से आप नहीं कर पा रहे तो कोई भी दिन हो, दिन की शुरुआत में सूर्योदय से आपको करना क्या है, एक लक्ष्मी जी का चित्र लेना है, उसके नीचे लक्ष्मी जी के चित्र के नीचे आपको क्या करना है, एक कोरा सफेद कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर लक्ष्मी जी का चित्र विराजमान करवाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र को विराजमान करके अपने आसन को शुद्ध करते हुए आसन में बैठना है, आसन आपका पवित्र हो। उसके बाद षोडशोपचार विधि से लक्ष्मी जी का पूजन करना है। षोडशोपचार विधि क्या होती है, लक्ष्मी जी को स्नान कराना है, वस्त्र धारण कराने, कुमकुम लगाना है, भोग लगाना है, नैवेद्य धूप आरती दक्षिणा सारी चीजें षोडशोपचार विधि होती है। ये सारी विधि करने के बाद आपको मैं जो मंत्र बताने जा रहा हूं, मैं दो मंत्र आपको बताऊंगा। इन दो मंत्रों में जो मंत्र आपको सरल और सुंदर अपने लिए लगे वो मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के लिए आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि जो मंत्र जाप की माला होगी वो इस फटक की माला होनी चाहिए। मंत्र क्या है आप बड़े ही ध्यान से और प्रेम से सुनिए। पहला मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः, ये पहला मंत्र है। अब मैं आपको दूसरा मंत्र बताऊंगा, ओम श्रीम श्रियै नमः। ओम श्रीम श्रियै नमः, ये दोनों मंत्र हैं। ये दोनों मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, जहां से आप नोट करके इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपको विधि क्या करनी है, इन मंत्रों को में से किन्हीं एक मंत्र का आपको 11 दिन तक जाप करना है। प्रत्येक दिन 3000 जाप करने हैं। 3000 जाप का मतलब है कि डेली आपको प्रतिदिन आपको 30 माला करनी है। आपको क्या क्या करना है इन 11 दिनों के बीच में, पहली चीज आपको ब्रह्मचरण का पूर्णतः पालन करना है। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि 11 दिन तक आपको व्रत रहना है। 11 दिन तक जब आप नित्य प्रतिदिन इन मंत्र का जाप करेंगे तो ये मंत्र एक मशीन की तरह काम करेंगे और अकस्मात ही आपको धन प्राप्ति का योग आपके जीवन में बनाएंगे। 11वें दिन जब आपका ये जाप संपूर्ण हो जाएगा तब 11वें दिन आपको इन्हीं मंत्रों का, जो मंत्र आपने 11 दिन तक जाप किया है इन्हीं मंत्र से आपको 1100 बार आहुति देके पूर्णाहुति करनी है। जब आप 1100 बार पूर्णाहुति कर देंगे तब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपका ये प्रयोग पूर्ण हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण विश्वास से यदि इस प्रयोग को करेंगे तो मुझे विश्वास है कि लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बहुत बरसेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।